हांसी के बीड़ फार्म गांव में डंपिंग स्टेशन के खिलाफ तीन गांव के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल रखा है। शनिवार सुबह प्रशासनिक अमला पुलिस फोर्स के साथ ग्रामीणों की मोर्चाबंदी को तोड़ते हुए कचरे की ट्राली को डंपिंग स्टेशन में डंप करने पहुंच गया, लेकिन चार दिनों से धरने पर बैठे सैकड़ों ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध किया। ग्रामीणों और महिलाओं की एसडीएम के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद एसडीएम ने पुलिस फोर्स को कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन ग्रामीणों के उग्र तेवरों को देखते हुए प्रशासनिक अमला लौट आया। तो समस्या ये नहीं है कि हम तो सोल्व करने के लिए आपके साथ हैं। अच्छा। बोलो आप क्या करना है, आप चाहिए तो हमको मदद करेंगे आपको। गवर्नमेंट की जमीन वो पड़ी है, गवर्नमेंट की ये है, आप गवर्नमेंट हो, पब्लिक गवर्नमेंट है, तो ऊपर वो मिल चुका मैंने बैठा से। पब्लिक गवर्नमेंट है, लेकिन पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट हमें चुन के भेज रखी है, वहाँ से केस जब तक प्रॉपर विधिवत नहीं बन के आता, जब तक हम वहाँ पर नहीं डाल सकते। राइट, कौन करेगा ये काम? ये हु विल डू? नहीं, हम कर रहे हैं ना। तो कहाँ कर रहे हो आप? सात महीने से कहाँ कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं? सॉरी सर, आप अभी नहीं बोलोगे, माइंड इट। ये डंपिंग स्टेशन बनाया गया है, ये डंपिंग स्टेशन नहीं है, क्योंकि इसके साथ में ही शमशान घाट है, साथ में पानी का तालाब है, साथ में ही यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा रोड, ये पानी लेके आती थी औरतें, वो सारा का सारा ये एक सोशल यूज के लिए जगह थी मैक्सिमम। और जो ये तीन गांव है, इसके अंदर कोई पंचायती ज़मीन नहीं है किसी भी हाल में, तो ये बच्चे भी यहाँ खेल लेते थे। अब ये देख रहे होगे आप, तो 10 फुट का भी जगह नहीं है कि घर के बिल्कुल नज़दीक कचरा डलता है, और जब ये बारिश होती है, जब ये हवा चलती है, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि कोई सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी मांग तो यही है कि हमारे तीन बार हमारे को जब धरना दिया था फर्स्ट टाइम पे जनवरी के अंदर, तो बहना साहब ने ये कहा था कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर इसको यहाँ से उठवा दूंगा, और यहाँ तो डलेगा ही नहीं 100%। उसके बाद में अगर ये नहीं उठा और ऐसा नहीं हुआ जो मेरी कमिटमेंट है, तो मैं 16वें दिन आप लोगों के साथ बैठूंगा, और आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग धरना बंद करो, और ये काम तो समझ लो हो गया। जो आश्वासन था उस पे खरा नहीं उतरे हैं, बिल्कुल भी नहीं उतरे पिछले 7 महीने से आश्वासन पे आश्वासन। अभी तो पिछले 10 दिन से 1 महीने पहले खुद ने बोला था कि 15 दिन के अंदर ये हट जाएगा। एसडीएम साहब भी खुद भी आए थे यहाँ पे, सारा हालात भी देख के गए कि भी ये नाजायज जगह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है, ये जगह जब है ही नहीं उसके लिए, तो कैसे दे सकते हैं? ये तो क्वेश्चन बंद ही हो गया देने लेने का। तो अब तो ये है कि कचरा कब उठाना है, कचरा नहीं डालना, मतलब ही नहीं है, उठाना कब है ये बस बात।